तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं इन्फिनिटी बाय हारमन ट्रांस एन 320 ब्लूटूथ इन ईयर हेडफोन्स डीप बास साउंड हैंड्स फ्री कॉल। तो इस हेडफोन्स को गाइस मैं ऑलमोस्ट अभी 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी जो बैटरी है वो सिर्फ 5 घंटे की है और वो फील होता है कि वो सिर्फ 5 घंटे की है, बट इसका जो साउंड क्वालिटी है गाइस वो काफ़ी मुझे सही लगता है। और इसका ड्राइवर भी काफ़ी बड़ा है गाइस। ड्राइवर वो होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, ना कि वो जो गाड़ी चलाता है। तो गाइस इसका जो क्या बोलते हैं ड्राइवर है वो काफ़ी बड़ा है। मैग्नेटिक केबल मैनेजमेंट है, IPX5 स्प्लैश प्रूफ है, कम्फर्ट फिट है, सॉफ्ट नेक बैंड है इसमें और प्रीमियम मेटल ईयरबड्स ऐसा इसमें लिखा हुआ है गाइस। इसको मैंने ख़रीदा था गाइस ऑलमोस्ट 1600 रुपये में विजय सेल्स से। मुझे तो ये हेडफोन्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अंदर जो बड्स आते हैं कान में लगाने वाले वो मैंने अपने CX180 के लगाए हैं गाइस, क्योंकि इसके साथ जो आए थे वो मेरे कानों में काफ़ी तकलीफ़ दे रहे थे मुझे, तो आपको भी शायद वैसा कुछ करना पड़े। तो ये जो हेडफोन्स है काफ़ी सही है गाइस, मुझे तो काफ़ी पसंद है। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे इसकी पसंद नहीं है कि इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम। मतलब ये मेरे फर्स्ट हेडफोन्स है गाइस, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इसकी बैटरी ख़त्म हो गई। लेकिन एक बात बताऊँ क्या आपको, मैं एक दिन तो कम से कम ये चलेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन भी नहीं चलेगा, बट दूसरे दिन अगर आप कभी भूल जाते हो उसको चार्जिंग करने और लेकर चले जाते हो बाहर तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही है गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, इससे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते गाइस। ये स्मार्ट नहीं है, आप स्मार्ट हो, और ये सिर्फ वॉल्यूम कम करता है, पॉज करता है और लास्ट कॉल को कॉल करता है, और ये काफ़ी डिसेंट लगता है। मतलब 2-3 बार ये खिंच भी चुका है लेकिन कुछ हुआ नहीं उसे। इसका लोगो देखिए गाइस, इन्फिनिटी से हमें लिमिटलेस फील होता है, मतलब एटलीस्ट मुझे तो होता है। मुझे ये हेडफोन्स काफ़ी पसंद है। लोगों ने कहा कि ये 5 घंटा 8 घंटे की जो बैटरी लाइफ है उससे क्या होगा उनकी 16 घंटे की, बट ठीक है मुझे तो अच्छा लगता है। एक अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए मैं बैटरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सही लग रही है गाइस मुझे। ये जो इन्फिनिटी का लोगो इसके ईयरबड के ऊपर दिया हुआ है उस पर पता नहीं कुछ तो काला काला लग गया है, बट ठीक है वो सब कौन देखता है, मुझे तो कुछ सीन नहीं लग रहा है उससे। इसकी बिल्ड क्वालिटी इन जनरल अच्छी है, साउंड क्वालिटी काफ़ी फाड़ है। फाड़ मतलब मैंने ये फर्स्ट क्या बोलते हैं ब्लूटूथ हेडफोन्स है मेरे, तो उस हिसाब से काफ़ी सही है। काफ़ी डीप साउंड है इसका, ना कि नॉर्मल साउंड है। मैंने रियलमी का सुना है, मैंने बोट का सुना है, लेकिन ये सबसे अच्छा लगता है मुझे गाइस। और ये सॉफ्ट सॉफ्ट कुछ तो है ऊपर जो अपने कान के अंदर अटकने के लिए बना है, पता नहीं वो अटकता भी है कि नहीं कान के अंदर, बट ये काफ़ी सही है गाइस। ये हेडफोन्स आप ले सकते हो बिंदास।